वैसे तो अगस्त का महीना प्रदेश भर में इस बार बारिश लेके आया है, लेकिन यही अगस्त का महीना सुल्तानपुर के बाहुबली सोनू और मोनू के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें लेकर आया है। साल 2021 में अगस्त का ये महीना भद्र परिवार के लिए पनौती साबित हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगस्त का महीना भद्र परिवार यानी चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू के लिए इतना मुसीबतों भरा क्यों है। तो जनाब, आप इस खबर को जानेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये महज अगस्त का महीना नहीं बल्कि मुसीबतों का पहाड़ है। जी हाँ, इसी अगस्त के महीने में संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड समेत तीन अहम मुकदमों की सुनवाई होनी है, जिसमें सोनू और मोनू को सजा भी हो सकती है और इनकी आने वाली जिंदगी सलाखों के पीछे कट सकती है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर के भद्र परिवार की तूती पूरे जिले में बोलती है। भद्र परिवार यानी कि यशभद्र सिंह मोनू और चंद्रभद्र सिंह सोनू, ये दोनों ही भद्र परिवार के सदस्य हैं और ये अब भद्र परिवार के रसूख और उनके जलवे को कायम किए हुए हैं। लेकिन अगस्त का महीना भद्र परिवार के लिए मुसीबतों भरा है, या यूं कह लें कि सोनू और मोनू पर अगस्त का ये महीना राहु और केतु की तरह ही हावी हो रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगस्त के इसी महीने में सोनू और मोनू पर सबसे बड़े तीन मुकदमों की सुनवाई होनी है, जिसमें उन्हें सजा भी हो सकती है और यहाँ तक कि उनका सियासी करियर भी खत्म हो सकता है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मुकदमों का फैसला उनके आने वाली जिंदगी को सलाखों के पीछे बर्बाद कर सकता है। सबसे पहला मामला है धनपतगंज में एक दीवार गिरने का। इस मामले में पहले ही सोनू सिंह को MPMLA कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, इस वजह से वो अभी भी फिलहाल जेल में ही हैं। इस मामले पर सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। दूसरा मामला है साल 2016 का। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह अपने पति शिव कुमार सिंह और अपने समर्थकों के साथ 5 फरवरी 2016 को सपा प्रत्याशी नीलम कोरी का ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चा दाखिल कराने के लिए धनपतगंज गए थे। आरोप है कि इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर शिव कुमार की पत्नी उषा और समर्थकों पर हमला कर दिया था। इस हमले में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह समेत अन्य लोगों को चोटें आई थी। इस मामले में पूर्व विधायक समेत उनके भाई और समर्थकों को आरोपी बनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष के तीसरे गवाह के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव की गवाही हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि कमला देवी यादव सोनू और मोनू की धुर विरोधी हैं और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कमला देवी यादव सोनू और मोनू की मुखालिफत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे अहम मामले की। मामला है सदानंद तिवारी और संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड का। संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड का जिन एक बार फिर से चिराग से बाहर निकल आया है और इस बार वो जिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी ने निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आगामी 23 अगस्त को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। इस मामले में भी किसी और को नहीं बल्कि सोनू और उनके भाई मोनू को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि माघ मेले से अपने मठ वापस जा रहे संत ज्ञानेश्वर पर 10 फरवरी साल 2006 को इलाहाबाद हंडिया क्षेत्र में हमला कर दिया गया था। इस हमले में संत ज्ञानेश्वर और उनके शिष्यों की मौत हो गई थी, जिसमें कई महिला शिष्य भी शामिल थी। इस मामले में सोनू और उनके भाई मोनू को आरोपी बनाया गया था, लेकिन निचली अदालतों ने सोनू और मोनू को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले एक बार फिर सोनू और मोनू की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 का अगस्त महीना सोनू और मोनू समेत पूरे भद्र परिवार के लिए पनौती भरा साबित हुआ है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक को देख लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।